कानपुर एनकाउंटर का मामला अभी फीका भी नहीं हुआ है कि एक बार फिर यूपी पुलिस कर्मियों पर हमला हो गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में चोर को पकड़ने के लिए दबिश देने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसमें एक सिपाही और एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने दरोगा की रिवॉल्वर व मोबाइल भी लूट लिया। सैनी के नरसिंहपुर कछवा का पिंटू और उसका भाई टिंकू शातिर अपराधी हैं। दोनों कई बार जेल जा चुके हैं। हाल ही में चोरी की कई घटनाएं हुई जिसमें दोनों का नाम आ रहा था। कोतवाली के दरोगा के आर सिंह व सिपाही दिलीप छापेमारी के लिए टिंकू के घर पहुंचे। पुलिस टीम के पहुंचते ही टिंकू के परिजनों ने उन पर हमला बोल दिया। दरोगा व सिपाही से मारपीट की और उनकी रिवॉल्वर व मोबाइल लूट कर हमलावर भाग गए। सूचना पर सीओ रामवीर सिंह कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस ने टिंकू और पिंटू व उनकी मां कुलिया समेत आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक महिलाओं ने ईंट पत्थर और डंडों से हमले किए जिसमें उप निरीक्षक के आर सिंह व सिपाही दिलीप सिंह जख्मी हो गए। इस संदर्भ में एसपी अभिनंदन का कहना है कि पुलिस टीम के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। पूरी घटना की जाँच कराई जा रही है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।